सो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यार हाइब्रो इंटरेक्टिव गेम को इम्प्रूव करता जा रहा है। एंड फिलहाल उनका एक बहुत ही अच्छा, इन्होंने अपने एक अपडेट के बारे में बताया था जिसका नाम है स्मार्ट अनाउंसमेंट अपडेट इन रेलवे स्टेशन। उसमें ऐसा क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें अब जो भी ट्रेन आप ड्राइव कर रहे हो उसकी अनाउंसमेंट चलेगी, चाहे वो आपकी ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर आ रही है उस प्लेटफॉर्म की यहाँ की अनाउंसमेंट होगी। उसकी वीडियोज़ मैं स्पेशली बना चुका हूँ, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। बट यार मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर आया, मेरे को लगा कोई ना कोई इनका अपडेट आया होगा, बिकॉज ये कभी कभी ये लोग क्या है बिना बताए अचानक से अपडेट डाल देते हैं। तो मैं ऐसे प्ले स्टोर पर आया, इंडियन ट्रांसफॉर्मेटर पर सर्च कर रहा था, चेक कर रहा था, तो इनका कोई अपडेट तो नहीं आया हुआ था। बट मैंने यहाँ पे रिव्यूज़ चेक किए, जैसे कि आप सब लोग देखते हैं रिव्यूज़, रेटिंग एंड रिव्यूज़ तो वैसे बहुत अच्छे हैं ज़्यादातर। बट क्या होता है कुछ लोग अपना फीडबैक देते हैं, गेम को सजेशन करने के लिए फीडबैक देते हैं, और उन फीडबैक्स पे इन्होंने रिप्लाई दे रखा था। तो यार वो फीडबैक्स क्या थे, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फीडबैक्स मुझे यहाँ मिले। तो पहला फीडबैक था किसी ने किया था, उसमें इन्होंने क्या कहा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फीडबैक तो ये था, एक प्रॉब्लम थी यार सर, उन्होंने इतना अच्छी रेटिंग नहीं दी थी, 1 रेटिंग या 2 रेटिंग दी थी, 2 स्टार रेटिंग दी थी। और हाइब्रो इंटरैक्टिव ने उनका पता क्या रिप्लाई दिया, पहले हम क्वेश्चन सुन लेते हैं उनका प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, उनका प्रॉब्लम ये था कि जो हाइब्रो इंटरैक्टिव अभी जो गेम है इंडियन ट्रांसफॉर्मेटर में, हम किसी मतलब डेस्टिनेशन तक जाते हैं तो हमें एक टाइमिंग दी जाती है, हम वो टाइमिंग बहुत जल्दी जल्दी चलती है। ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी वो टाइमिंग चलती है कि हम डेस्टिनेशन पर बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं, और कभी कभी हम जल्दी पहुंच जाते हैं, कभी कभी तो हम लेट पहुंच जाते हैं। अगर हम जल्दी जाते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाती है, अगर हम लेट जाते हैं तो भी हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, अगर हम जल्दी जाते हैं तो स्पीड की पेनल्टी, लेट जाते हैं तो टाइमिंग की पेनल्टी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस पर हाइब्रिड ट्रैक्टर में क्या रिप्लाई दिया वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस। उन्होंने ये कहा कि हम सब इसको इस पर वर्क कर रहे हैं, हम जो टाइमिंग पे भी हम अब इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं। हाइब्रिड ट्रैक्टर ने कहा बहुत जल्दी हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे हम टाइमिंग पे, ताकि हम टाइमिंग को भी बहुत स्लो कर सकें। ठीक है गाइस, अब ये लोग क्या टाइमिंग में भी इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं, इससे हमें यह ज़्यादा अच्छा पता चलता है। अब नंबर 2 का वो क्या था, प्रॉब्लम क्या था, तो नंबर 2 का सेम प्रॉब्लम जो हम लोग कहते हैं कि कोच का जो प्रॉब्लम होता है। अब कोच का उस बंदे ने क्या कहा था, उसने कहा कि हमें ये गेम इतना पसंद नहीं आया, उसने 1 स्टार रेटिंग दी। क्योंकि मैं इसे 1 स्टार रेटिंग इसलिए दे रहा हूँ कि बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इसके अपडेट्स का वेट करता था, मैं एक बहुत बड़ा रेल फ़ैन हूँ एंड मैं यूज रेल फ़ैन था और आपके गेम्स का तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उस बंदे ने ये कहा था। एंड उसने ये कहा कि जब से मैं देख रहा हूँ आप कोच में बिल्कुल भी इंक्रीजमेंट नहीं ला रहे हो, 9 कोच ही हैं, पहले 8 थे अब 9 है, बट कोई भी हमें ऐसा अपडेट नहीं मिला इसमें आपको 12 से 15 कोच में हमें मिल सके। तो इसको देखते हुए हाइब्रिड डायरेक्टिव ने क्या रिप्लाई दिया वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब इस रिप्लाई का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उन्होंने मतलब अगर 9 से इन्होंने 11 कोच भी करें ना तो भी इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज कुछ स्टेशन पर तो शायद सपोर्ट कर जाए, मतलब कुछ स्टेशन इतने बड़े नहीं, लाइक भुवनेश्वर वगैरह ऐसे स्टेशन हैं जो प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, 9 कोचेज भी मतलब बाहर हो जाते हैं तो इतना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इन्होंने 12 से 15 कोच के बीच में अगर इन्होंने इंक्रीज़ किया ना गाइस, तो इन्हें क्या होगा प्लेटफॉर्म फिर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म का तो लेंथ होगी वो इनको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो बग्स भी बढ़ सकते हैं, फिर आप लोगों को प्ले करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये फिलहाल ये काम तो ये लोग इस टाइम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाली फ्यूचर अपडेट्स में ये कोच की लेंथ मतलब कोच इंक्रीज़ करेंगे लाइक 9 to 15 करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं करने वाले। हाँ, काउंटिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है इस गेम पे, बिकॉज जो टाइमर होता है बहुत जल्दी चलता है, उस पर इम्प्रूव आने वाला है। सो गाइज़ आगे जो भी अपडेट आएगा वो आपको हमारे चैनल मिलता रहेगा, एंड हम एक Q&A वीडियो करने वाले हैं हमारे चैनल पर, तो आप अपने कमेंट्स अब यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं और हम एक Q&A वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।